देखिए उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। देखिए जहां पर न्यायालय में और पुलिस संरक्षण में अब इस तरीके से हत्याएं हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से विफलता है। वकील अभी भी स्ट्राइक पे हैं। देखिए अब न्यायालय में अगर इस तरीके की हत्याएं हो जाए तो पूरी सरकार की विफलता है। फिर लाइन ऑर्डर नाम की चीज कहां? पूरी तरह से लाइन ऑर्डर इस समय ध्वस्त है। अब रोज देख रहे होंगे ना, इससे पहले भी इलाहाबाद में देखी है आपने किस तरीके से अतीक और पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर मौन क्यों है? कहीं मौन नहीं, समाजवादी पार्टी मौन नहीं है। बिल्कुल हम लोग इसीलिए तो कार्यकर्ताओं को अभी तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लाइन ऑर्डर जो पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरी तरह से सरकार विफल है। समाजवादी पार्टी अपना प्रशिक्षण शिविर कर रही है नैमी धाम से। कहा जाता है कि ये असुरों का नरसंहार के लिए जानी जाती है नैमी सारण तीर्थ, क्या कहेंगे इससे? यहाँ से ऐसा क्या रहा शुरुआत करने का? देखिए नैमी सारण धाम यहाँ तो पवित्र धाम है ही, और जब लोग चारों धाम करके यहाँ पर आते हैं बिना यात्रा अधूरी रहती है, यहाँ जब तक पूरा नहीं कर दिया जाता है। और ये सही है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है तो निश्चित असरों का नाश होना ही है। अच्छा सुपाल जी, एक बहुत चर्चा है इस बात की कि आप पहले देवकली गए, शंकर जी का स्थान है, अब माता जी का स्थान नैमी सारण आ गए, ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हुए तो नहीं है समाजवादी पार्टी के कदम? पहले पार्टी मोस्टली अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास की पार्टी समझी जाती थी, अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कुछ अगला कदम है क्या? ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। वो ही लोग इस बात को कहेंगे जब हम यहाँ पर आए हैं, इससे पहले हमने लखीमपुर में किया है, और जब यहाँ से निकलेंगे, जब यहाँ से शाहजहाँपुर, बरेली से मुजफ्फरनगर और इस तरीके से हम जाएंगे, तब कहेंगे कि अल्पसंख्यक ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हम लोग तो सेकुलर लोग हैं, इस तरह के हम लोग नहीं। कोई टारगेट फिक्स कर रखा है लोकसभा चुनाव के लिए कि हम इतनी सीटों पर प्रमुखता के साथ आएंगे, इन पर प्रमुखता से लड़ेंगे? ये देखिए हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा फैसला लेगा, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से अपनी बार हरा करके भेजेंगे, और जब उत्तर प्रदेश से हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बार शासन में नहीं आएगी, दिल्ली से हटेगी। गठबंधन से के सहारे लड़ेंगे या अपने सहारे? हमारा सब लोगों का, हमारे पूरे विपक्ष का एक होकर के, विपक्ष देश का विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। ये निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेता।